गुड मॉर्निंग भाई साहब ने आज गाड़ी देने जा रहे हैं हम एक कस्टम्स पे रैप होने के लिए, क्योंकि रैप मैंने डिज़ाइन करवा रखा है बहुत टाइम से, तो आज वो रैप अपना वो लगवा देंगे भाई से। और मैंने कर ली बात, अभी जाके उसको छोड़ के आते हैं, फिर आएंगे कैब में चुपचाप शांति से कैब में आएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, कैब करेंगे और सीधा घर आएंगे। और रैप होना बहुत ज़रूरी था, काफ़ी टाइम से मैंने कस्टमाइजेशन करवा रखी थी, इनके पास कस्टमाइजेशन रखी भी है एंड अभी गाड़ी ऐसी लग रही है, अभी कमेंट करके बताना, सिंपल ऐसी लग रही है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ आएगा बहुत सुंदर कस्टमाइजेशन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। चलो भाई, राम का नाम लेके चलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोले बाबा, शाम से कैसे ये मेन लाइट देख लो कैसी लग रही है, अच्छी लगती है। लाइट्स ऑफ एंड लेट्स गो फॉर कस्टमाइजेशन टुडे। और गाड़ी का नंबर आ गया है, वो रिवील कर देंगे भाई बहुत जल्दी ही रिवील करेंगे वो। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो तो चाहिए यार, जितने पैसे लगाए हैं वो उस हिसाब से एक स्पेशल वीडियो तो चाहिए उस चीज़ के लिए कि गाड़ी का नंबर आ गया है। और लोग भी बेवकूफ़ी बोलते हैं, मतलब गाड़ी ऐसे लगा जाऊंगे जैसे, गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल ऐसे लगा देंगे जैसे भी आप करा जो, कोई ना, हमने तो कीमत अलग ही नहीं, लगा लो भाई, कितने भी लगा लो, बीच में लगा लो, भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो जी, राम जी का आशीर्वाद ले लो, हनुमान जी का आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद लेके आगे चलते हैं टुवर्ड्स आर डेस्टिनेशन। और हमारे आगे अट गया ट्रक भाई, ट्रक तो आमी शामी की टक्कर होगी, हमारी टक्कर नहीं हुई है, मतलब शामी अट गए हो तो हमने लिकाटनी तो पड़ेगी गाड़ी। चलो भाई लेट्स गो, पंडित जी के ऑफिस है ये सामने भाई, मुकेश शर्मा जी का ऑफिस है, MLA ऑफ गुरुग्राम। लेट्स गो फॉर गाड़ी, गाड़ी की कस्टमाइजेशन बहुत सुंदर कस्टमाइजेशन होने वाली है, मैंने खुद कस्टमाइज करवाई है। और एक चीज़ दिखाऊँ तो मेरे याद होगी कि जिस भी बत्ते पे जाता हूँ मैं वो हमेशा हरी हो जाती है, देखो जो रखी है। आवाज़ ज़्यादा गाड़ी इसलिए कर रही है भाई क्योंकि इसमें हवा ज़्यादा है, और हवा में कम करवाना भूल गया, नए अलॉयज डले हैं ना, अरे हाँ नए अलॉयज डले हैं, कमेंट करके बताना साइड में कि कमेंट कि अलॉयज कैसे लग रहे हैं। दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दे आर गिविंग अ लुक ऑफ प्रॉपर जीप। इसमें थोड़े से और कस्टमाइजेशन करवाएंगे, एक बार ये स्टिकर लग जाए उसके बाद इसका बम्पर दूसरा पेंटों ने भेज रखा है वो लगवाएंगे, और बाकी की जो कस्टमाइजेशन होगी आप सजेस्ट करते रहो, मैं करवाता रहूँगा। मेरा 22 इंची करवाने का बहुत ज़्यादा मन है, पर 22 इंची कोई ऐसा परफेक्ट डिज़ाइन नहीं मिल रहा जिस पर मैं 3-4 लाख रुपए खर्च कर सकूँ। कोई बढ़िया तगड़ा डिज़ाइन हो तुम्हारे पास तो मेरे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं वो ही देख के और डलवा लूँगा। बच गया अर्टिका वाले भाई, हम नहीं रोकते किसी भी ले गाड़ी। चलो लेट्स गो, मान चल के एक एक कस्टम्स पे आपको मिलवाते हैं अक्षय भाई से। भाई रीच्ड एक एक कस्टम्स, डू यू नो दिस प्लेस। एक एक कस्टम्स पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन होती है, स्टिकर्स और ये सारी चीज़ें, और कस्टमाइजेशन चल भी रही है बहुत सारी गाड़ियों में। और यहाँ पे आऊँगा तो भाई से मेरे को कुछ ना कुछ करवाना भी पड़ेगा, देखना भाई क्या अच्छे अच्छे कस्टमाइजेशन कर रखी है। ये वी क्रॉस है वो जो गाड़ी आती है भाई, यार येल्लो कर देते हैं इसको, कंपनी से टाइप है बहुत बढ़िया इनका। और आज हमारी गाड़ी करनी पड़ेगी इनको रैप करनी पड़ेगी जी, रैप हमारी गाड़ी इनको आज चौका लगाई जाए रैप के लिए, इन्हें छोड़ देते हैं अपने आप लगा, इनका काम है। वेलकम टू AK कस्टम्स, वेलकम माय थार टू AK कस्टम, माय थार माय प्यार थ्रू AK कस्टम्स, इसमें काम होना है। शी विल गेट रेडी। अरे नंबर रिवील हो रहा है इसमें तो, पर ये तो ब्लॉग बाद में आएगा भाई, इस पर पूरी कस्टमाइजेशन होगी प्रॉपर जो होती है, ऐसे जैसे भाई यार मेहनत कर रहे हैं ना और गाड़ियों पे, यहाँ तो यार महंगी महंगी गाड़ी खड़ी है,
और अपने वाली किसी से कम है क्या? हमारी छोरी छोरियों से कम है क्या? बढ़िया भाई, इस पर वो लगा देता हूँ ये प्लेट। भाई एक मिनट रुकना, नंबर रिवील्ड, एक एक कस्टम्स नंबर आया इसका। बता दो कैसी लग रही है गाड़ी, इसको लगवाते हैं आज शाम तक ही रिसीव करनी है हमें। ये जाए ऐसी रही है बिफोर, और उसके बाद रात को डालेंगे आफ्टर की वीडियो। ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल प्यार, महंगी महंगी गाड़ी आती है भाई के पास, BMW, Porsche, ये है सबसे महंगी गाड़ी, एम्बेसडर। ये भी तो भाई जॉब कार्ड बनवा ले अपने गाड़ी का, पूरे फुल प्रोसेस से करते हैं भाई काम, देखना। फुल लाइट्स, लाइट लोडेड कार। लो भाई चाबी तो ले लो, आज से आपकी हुई, आज के लिए। हाँ एक ही बात है भाई, गाड़ी ड्रॉप करके चलते हैं घर। हे बेबी, मीट बेबी, हेलो हेलो बडी, You want friendship with me? We can be friends. Approval दे दिया आपने? चलो भाई एक ही कस्टम्स को बाय करते हैं शाम के लिए, शाम को लेने आते हैं अपनी गाड़ी वापस। मैंने टेम्पो बुक कराया था, उबर वाला लेने क्यों ना आ रहा, बोल तो ना गया। Okay. चलो पैदल पैदल ही चलो भाई, टेम्पो जो टम्पू मिला ना, मैं तो पैदल चाल पड़ा घर में, पहुँच जाऊँगी थोड़ी बहुत बार में, ये टम्पू जरूरी है। चलो भाई पैदल चल के भी राजी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1% पैदल चलेंगे अपने घर। गाड़ी क्योंकि हमने किए छोड़ बेच दिए, बेच भाई मैंने एक्सचेंज में थार रॉक्स के एक्सचेंज में स्कूटी ले ली है भाई से। भाई ने मेरे को स्कूटी, मतलब भाई पैसे तो मेरे को आप, मतलब मकान है आपके कहाँ कहाँ पे हैं भाई? एक तो यही मकान है। अच्छा। और एक पीछे गली। यहाँ कितना रेंट होगा? इससे ज़्यादा है, मतलब 1-2 रूम सेट का 1500-1600 अगर ऐसा होता है ना कि कोई, क्योंकि मुझे टाइम पे बहुत राइड पे बता दो। ये तो आप कोई नहीं, नंबर से अगर कभी खाली होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, खाली नहीं रहता ये वाला, क्योंकि ये नया बना है ना। अच्छा, और हम मेंटेनेंस अच्छा रखते हैं तो खाली नहीं रहता ये। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके जी भाई, दुर्गा जी जरूर याद करेंगे आपको। ओके भाई, थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। चलो भाई लिफ्ट ले गया, नहा धो ले और फिर चलते हैं प्रोग्राम में। मैं भाई चाचू बन गया हूँ फिर से, सचिन का भी छोरा हो रहा है, उसका प्रोग्राम है वहाँ जाना है। कटारिया गया, यस नालू में है मैनुअल हैरियर लेन था, बढ़िया टेम्पो ले लो, कति ट्रैक्टर था भी मुंडी चल रहा है, कति जोर लगा के क्लेच दबानी पड़े और जोर लगा के मोड़नी पड़े, पता ही सा के लड्डा हो गया 24 लाख रुपए का, जिसमें इतनी मेहनत करनी पड़े। 24 लाख में तो बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब गाड़ी खुद भी चलन लग गई, एडास वेडास वाली गाड़ी आ रही है। हरिया भाई ये ऐसा लड़ा ले लिया हमने, मैं तो कती भी राजी ना हूँ, मतलब चला के या तो मजबूरी में चलानी पड़े, या तो सरकारी गाड़ी है ना हमारी, सब लेके जावे सरकारी है, मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी हैं सब इसी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के। पर है भाई बिल्कुल कूड़ा, कूड़ा इट इज, कूड़ा बिल्कुल कूड़ा, रद्दी कोई ना। पर अब क्या करें भाई, है तो ले रखे है तो चलानी पड़ेगी। ये है भाई गुड़गांव गांव की गलियां, विलेज गुड़गांव की गलियां में आपका स्वागत है फ्रॉम उत्कर्ष तोमर ब्लॉग्स विद इन टम्पू। अच्छा हैरियर में हूँ क्या? इन कार हैरियर, भाई मेरे छोरा हो रहा है, ठीक है, मतलब मेरा भतीजा हो रहा है, मेरे छोरे बराबर ही है, मेरा सबसे प्यारा बच्चा, उससे मिलते हैं चल के। वीडियो में ना दिखाऊँ ना, नज़र लग जाओगी क्यूट्यूब पे।
ठीक है जी, वहीं आया हूँ मैं प्रोग्राम में, फंक्शन में, एट सचिन कटारिया जोन। एक एक मतलब ऐसे फैन फैन टाइप का ही है, मतलब एक आदमी उससे मिलवा दूँ। फोटो नहीं भाई, वीडियो बनती है व्लॉग्स के लिए ना, फोटो। ये इलिटरेटों को क्यों लेके घूमता है राघव, तू भी मर्सिडीज में बिठा रहे इसको, ये गाड़ी गंदी हो जाएगी भाई। फिर मान गया इतनी बड़ी गाड़ी बैठने में, व्लॉग में डालू ही डालूंगा भाई, सब कुछ डलेगा व्लॉग में, जूम होके तेरे को टैग भी करूंगा इंस्टाग्राम पे, मैं घर पे डालूंगा फिर। भाई प्रोग्राम अच्छे से अटेंड करके चले। संजीत भाई सुनो, व्लॉग में तो आ जाओ, कई दिन हो गए व्लॉग शूट करें भाई, पहचान लो, डोलो देख लो, डेली की डेली बनते जा रहे, बड़े होते जा रहे हैं भाई। क्या करते हो इनके लिए? हैं प्रोटीन, प्रोटीन से कुछ नहीं होता, प्रोटीन से कुछ नहीं होता। क्या बोलते, एमएल में काम चलता है भाई, ग्राम में काम नहीं चल रहा। मिलीग्राम। चले भाई बाय, चले चले भाई, अटेंडेड सक्सेसफुली। भाई इस गाड़ी की एक अलग स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर मतलब तीन पैडल होते हैं ना, एक क्लच, एक ब्रेक और एक रेस। इस गाड़ी के अंदर क्लच है ही नहीं, क्लच की जगह भी ब्रेक दे रखा है, इतनी टाइट है ये लेफ्ट वाला पैडल भाई, छिका लिया मतलब 20 में तो बंद हो ली, 20 बार तो ज्यादा बंद हो ली, या तो रेस दे रखो या फिर इसने बेरना क्यों कर चलाओ, मेरे तो समझ में ही ना आ रही है चलानी, मतलब रह तो मेरे दो रह कर रहा गाड़ी ज्यादातर, पर अब कई दिन में चलाई है ना, इतना छो उठ रहा है इस पे, 20 पे बंद होली मेरे पे 20-25 बार, जब तक घर तक लेके लिखड़ा हूँ। क्या करें अब इसका, बेच भी तो नहीं सकते, अभी ली थी हमने थोड़े दिन पहले, रीसेल वैल्यू नहीं है टाटा की गाड़ियों की। ये क्या हो गया, गलत आ गया, मैं गलत आ गया, इतने जाम में तो मैं आ ही नहीं सकता। अटले भाई अटले अटले, न्यू में सीट कवर डल रहे हैं और कालू सीख रहा है भी डालना, इज अ फ्रेशर एट UUT मॉडिफिकेशंस। और ये खड़ा अपना ट्रैक्टर हैरियर, शाम को जाऊंगा अपनी थार लेके आऊंगा, ट्रैक्टर हैरियर देखनी पसंद है आपने तो, ट्रैक्टर हैरियर भी रख सकते हैं हम। बहुत बुरी चला है, बहुत ज़्यादा गंदी, मतलब ऑनेस्टली हुआ है, इतनी घटिया तो कोई गाड़ी मैंने चलाई ही ना, मतलब मैंने दुनिया भर की गाड़ी चला ली, इससे घटिया गाड़ी मैंने नहीं चलाई। मैनुअल डीजल अब मतलब ट्रैक्टर भी बढ़िया है इस तरह, ऐसे चले हर दो मिनट में बंद हो जाओ, मतलब वो क्लिच ज़्यादा छोड़ दो ना तो वो बंद हो जावे, अगर क्लिच ढंग से ना छोड़ दो तो चले मैं क्या करूँ इस गाड़ी के लिए। और हैंड ब्रेक ऐसा दे रखा है जैसे एरोप्लेन में बैठे हूँ, काम ऐसे है नहीं 1% भी। कूड़ा डांस करना आता है कालू, ए कालू डांस करके दिखा दे भाई, मैच हो गया तगड़ा। कंपटीशन हो भाई, पिच बनन ते पहले ही कंपटीशन तैयार कर दिया हमने तो भाई। भाई 6 बॉल होगी आपकी, एक्स्ट्राज में चल रहे हो। इतना बड़ा क्रिकेटर मैं ना हूं कि बॉल कैच कर लूं, मैं तो हूं पीछे भाज भाज सकूं भाई। अरे ब्यास पिच खुल गई है अपने दुकान के पीछे भाई, सब ने आना है बैट बॉल खेलने। भाई गाड़ी की फोटो आ गई, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू सी माय कार, तो इसलिए मैं जल्दी दुकान पे से भाग गया टू सी माय कार। शी इज लुकिंग सो 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 वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल, एक नंबर की तो लग रही है, आपको दिखाऊंगा अभी, चल के दिखाते हैं आपको कितनी सुंदर लग रही है। और एक एक कस्टम से हमने वो पूरी कस्टमाइज़ करवाई है, एक नंबर कस्टमाइजेशन, और उसका बम्पर भी वाइट होकर आ गया, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है, इट इज़ लुकिंग फेबलस फेंटाबलस, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल देख के।
रेडी हो गई, देखो मेरे को देखते बोलने लग गए, आ जाओ मालिक आ जाओ, शी इज रेडी टू रोल। कैसी लग रही है? रेडी हो गए, हमेशा ही अच्छी लगती है। 1 2 3 सरप्राइज सरप्राइज। वही बता दो कैसी लग रही है गाड़ी, कैसी लग रही है हमारी गाड़ी? जबरदस्त, दोनों साइड अलग अलग कैरेक्टर बना रखे हैं, जिसको जो कैरेक्टर पसंद आ रहा हो वो सोच ले अपने लिए। भाई जेन्युइनली बहुत जबरदस्त लग रही है गाड़ी, बहुत आर पार सिस्टम। मन ही ना भर रहा मेरे तो देख देख के, बहुत तगड़ी भाई, बहुत बहुत जबरदस्त ग्राफिक्स डन। रेडी सेट रोल भाई, एक एक कस्टम से अपनी गाड़ी कस्टमाइज करवा के एक और गाड़ी इनके पास छोड़ के और हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ। और हमारी मंजिल होगी UUT मॉडिफिकेशंस, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक और मतलब हमारा बम्पर आया रखा है तो उसको भी लगवा ही लेते हैं आज, तो इतना काम हो ही गया मालिक तो। हाँ हैरियर की भाई लाइट जली रहेगी, हैरियर की लाइट बंद करवाते हैं भाई से। ठीक है जी, एक मिनट। हाँ लाइट बंद कर लेना भाई एक बार। ठीक है जी चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स ड्राइव, लेट्स ड्राइव गुड़गांव क्रेजी फॉर दिस कार। शी इज लुकिंग वेरी 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 वंडरफुल भाई, मतलब मेरे इतने दिन की मेहनत कुछ तो रंग लाई, सुंदर लग रही है गाड़ी, लुकिंग अमेजिंग, अमेजिंग से भी ऊपर। न्यू ग्राफिक्स डन, नो न्यू मॉडिफिकेशन डन भाई, एक एक कस्टम्स जानते ही हो गए एक एक कस्टम वाले भाई को, तो शायद ऐसा कोई नहीं है जो भाई को ना जानता हो, कितना नाम बना लिया रे बाबा भाई भाई, अच्छी कस्टमाइजेशन हुई है, खुश हो गया दिल। शीशे सेट कर ले अपने अकॉर्डिंग टू आर ड्राइविंग कंफर्ट, कर ले के पहुंच गया हूँ मैं अपनी गाड़ी को। कैसी लग रही है मेरी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना। रैंगलर रूबी कौन पता नहीं क्या क्या बनाते हैं लोग, हमने बनाई है थार रॉक्स को, थार रॉक्स विद न्यू स्पेक्स न्यू कस्टमाइजेशन, सेल्फ मेड कस्टमाइजेशन, पूरा अपना दिमाग लग रखा है इसमें जितना भी लग रखा है।